जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। जी हां दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के तहत राज्य की 10 बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में राज्य में ऐसी कौन सी 5 वस्तुएं जिनको राज्य सरकार के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है, इसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर जानने को मिलेंगे। साथ ही में अगर आप आंगनवाड़ी कर्मचारी है, मौसम विभाग की जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी, बिजली बिल माफी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही में किसान कर्ज माफी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या घोषणा की है, इसको लेकर भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही में अगर आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड वालों के लिए भी शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ही बड़ी घोषणा की है। साथ ही में गरीब मजदूर महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं जो है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहाँ पर निकाली गई है। साथ ही में विद्यार्थियों के लिए फ्री लैपटॉप देने की जो है घोषणा की गई है, तो किस तरीके से आपको फ्री लैपटॉप मिलेगा उसके बारे में भी आपको वीडियो में जानकारी मिलेगी। साथ ही में अगर आप दिव्यांग है तो किस तरीके से आपको भारत सरकार यानी कि राज्य सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी दी जा रही है, मौसम विभाग के बारे में भी आपको इस वीडियो में यहां पर जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रोजाना सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो भी घोषणाएं की उसके बारे में आपको पल पल की अपडेट मिल सके, क्योंकि चुनाव के पहले लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है नई नई योजनाएं निकाले जा रहे हैं, जिसका कि आपको पता होना बेहद ही ज्यादा जरूरी। साथ ही में हमारा चैनल जो है टॉप 20 मेंबर्स को जो है सैमसंग, ओप्पो, रीनो और एप्पल और आई प्लस का जो है फोन यहां पर दे रहा है गिवे के रूप में। तो अगर आपको अभी तक फोन नहीं मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के नीचे जाके कमेंट बॉक्स में आपको अपने जिले का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, आपको कौन सा फोन चाहिए, आपको फोन नहीं मिला है, सारी चीजें आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना है, हमारा चैनल जो है आपको फ्री में फोन यहां पर दे देगा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहली बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश के 15 लाख विद्यार्थियों को सीएम बांटेंगे फ्री लैपटॉप। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इन विद्यार्थियों को मिलेगा इसका फायदा। अगर आप विद्यार्थी है तो बने रहिए वीडियो में, कैसे आवेदन करना है संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो आप सभी को जैसा कि मैंने बताया कि विद्यार्थियों को जो है मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा फ्री लैपटॉप यहाँ पर दिया जा रहा है। कैसे आवेदन करना है पूरा आवेदन करके दिखाऊंगा, पूरा आवेदन की प्रक्रिया आपको मैं समझाऊंगा। इस तरीके से अगर आप आवेदन करते हो तो आपको जो है लैपटॉप मिल जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के सभी किसानों का अगले 10 दिन में होगा किसान कर्ज माफ। जी हाँ दोस्तों, सीएम ने आज की सबसे बड़ी घोषणा, साथ ही में सभी किसानों को मिलेगा 12 घंटे बिजली सेवा, किसानों की बल्ले बल्ले। जी हाँ, अगर आप किसान है तो किस तरीके से आने वाले 10 दिनों के अंदर आपका किसान कर्ज माफ होगा, साथ ही में आपको जो है हर दिन जो है 12 घंटे की बिजली की जो है मिलने वाली है, इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या घोषणा की है, किस तरीके से आपको इसका फायदा मिलेगा, वो भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में संपूर्ण जानकारी विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, अगर आप किसान है तो बिल्कुल भी वीडियो आगे पीछे मत करिएगा, पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा की। यह 2 नए जिले बनने से एमपी में जिलों की कुल संख्या हो जाएगी 54। जी हां, जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावी साल है और सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, तो इसी को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो है 2 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है। तो कौन कौन से 2 नए जिले जो है मध्य प्रदेश में बनने वाले हैं, जिससे कि जिलों की संख्या 54 हो जाएगी, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी विस्तृत जानकारी आगे चलकर वीडियो में देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो भाइयों बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की सभी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो मिल जाएगी, कोई सा भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो राज्य में 30 लाख नए लोगों का बनेगा राशन कार्ड। जी हाँ, महज 3 दिन में बनकर तैयार होगा राशन कार्ड। तो अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो जल्दी से वीडियो को देख लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका राशन कार्ड बनने वाला है। इसकी गारंटी हमारा चैनल दे रहा है, किस तरीके से आपको राशन कार्ड बनवाना है, उसके लिए आपको कहाँ जाके आवेदन करना होगा, अगर आपको राशन कार्ड से राशन नहीं मिलता है तो किस तरीके से आपको राशन मिलने लगेगा। 30 लाख नए लोगों का राशन कार्ड बनने वाला है, तो आपको मैं लाइव बना के बताऊंगा किस तरीके से राशन कार्ड आपका बनेगा, पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी वीडियो में बने रहेगा। वही अगली बड़ी खबर के बारे में बता दे तो एमपी में इन महिलाओं को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। जी हाँ, सीएम ने की बड़ी घोषणा, राज्य की ये महिला ऐसे सिलेंडर के लिए आवेदन करे, मात्र 7 दिन में आपको गैस चूल्हा और मिलेगा सिलेंडर। अगर आप महिला है, अगर आपके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है, तो किस तरीके से आपको मामा जो है फ्री में, एकदम फ्री में, किसी प्रकार का कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, जिसमें आपको गैस चूल्हा के साथ साथ गैस सिलेंडर भी मिलने वाला है। कैसे आवेदन करना है, विस्तृत जानकारी, संपूर्ण जानकारी आगे वीडियो में। वही अगली बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें कि अगर आपका भी है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में खाता,
तो आएंगे एक मुश्त 25,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, पहले 1,00,000 लोगों को मिलेगा इसका फायदा। अगर आपका खाता आपके आधार कार्ड से लिंक है तो कल रात 12 बजे से पहले आपके खाते में आएंगे 25,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 25,000 रुपए ले लो, 25,000 रुपए ले लो, 25,000 रुपए ले लो। अगर आप मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में आपका खाता है तो विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी आपको आगे चलकर वीडियो में यहाँ पर देने वाला हूँ। वही अगली बड़ी खबर के बारे में बता देते हो, राज्य के सभी 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग को अब पेंशन के रूप में हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए। जी हाँ, सीएम ने की बहुत ही बड़ी घोषणा। अगर आप बुजुर्ग है तो इस योजना का लाभ आपको किस तरीके से मिलेगा, कैसे आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग माता पिता है, बुजुर्ग महिला है, कोई भी है, तो किस तरीके से आपको 4,000 रुपए की राशि जो है सीधे तौर पर आपके खाते में दी जाएगी। कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपको जो है यहाँ पर हर महीने दे दिया जाएगा। कौन सा फॉर्म आपको भरना है जिससे कि आपके बुजुर्ग माता पिता, जो भी आपके घर में बुजुर्ग हो, उनको हर महीने यहाँ पर जो है बुजुर्ग के लिए पेंशन मिलेगी, उसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर के बारे में बता दें तो राज्य में 50,000 पदों पर बंपर भर्तियां जारी। जी हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1,00,000 पदों पर भरने की घोषणा की थी, लेकिन 60,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है और 50,000 पदों पर भर्ती जो है यहाँ पर जारी कर दिए गए, जिसमें केवल 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप इनमें से किसी में भी पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया कल रात से शुरू हो गई है। कैसे आवेदन करना है, कहां पे जाके आवेदन करना है, कौन कौन से विभाग में बंपर भर्तियां जारी की गई है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी आगे चलकर देने वाला है। वहीं अगली बड़ी खबर के बारे में बता देता हूं, मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के इन 2 जिलों में भारी बारिश की घोषणा की। जी हां, इंदौर और उज्जैन में जो है आने वाले 48 घंटों में बेहद ही खतरनाक बारिश होने वाली है। तो दोस्तों, दो जिले ऐसे हैं जहां पर मध्य प्रदेश में जो है मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगर आप इन 2 जिलों में रहते हैं तो बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकल लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बारिश गिरने की यहां पे संभावना। वही अगली बड़ी खबर के बारे में आपको बता दे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आई एक बहुत ही बेहद खुशखबरी। जी हाँ, अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, तो नाच उठेंगे, झूम उठेंगे, क्योंकि इस खबर को सुनने के बाद जो है आप बेहद ही ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि मामा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सैलरी बढ़ाकर 30,000 रुपए महीना कर दिया, जिसमें जो भी आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता सहायिका है उनको 30,000 रुपए महीने की सैलरी देने का यहाँ पर आश्वासन जो है शिवराज सिंह चौहान सरकार ने चुनाव के पहले दिया है। तो अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिए। चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा चैनल जो है गिव अवे कर रहा है, जिसमें हमारे चैनल के द्वारा टॉप 20 मेंबर को सैमसंग, एप्पल और वन प्लस, रीनो और रियलमी का फोन दिया जा रहा है। किस तरीके से आपको ये फोन मिलेगा वो तो मैंने आपको वीडियो में बताया है। साथ ही में दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपको फोन नहीं मिला है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में जाकर कमेंट करिए कि हमें फोन नहीं मिला है और आपको कौन सा फोन चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, हमारी टीम आपका कमेंट पढ़ेगी। साथ ही में आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोगों को आपने वीडियो को शेयर किया, अगर आपने